हमारे पास जो पेशेंट आई थी नथु देवी जी, शी वाज 60 ईयर ओल्ड फीमेल, और 60 ईयर ओल्ड फीमेल जो हमारे पास, उनके पास हिस्ट्री थी कि अराउंड 7.5 मंथ बैक उनके पास इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी हुई थी राइट अपर लिम में, उसके बाद में शी सस्टेन्ड अ फ्रैक्चर इन हर ह्यूमरस शोल्डर रीजन, जिसकी वजह से हड्डी के टुकड़े टूट कर अपने जगह डिसलोकेट भी हो गए। पिक्चर क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है, बट यू कैन सी, अगर आप वहां पे देख पाए तो जो शोल्डर ज्वाइंट है वहां पे दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको, उसके बाद में पार्ट अपने हड्डी टूटने के साथ में पूरी तरह डिसलोकेट हो चुकी थी, और पेशेंट्स ने इनिशियल ट्रीटमेंट लिया बट समहाउ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या फिर बेसिकली उनकी तरफ से निग्लेक्ट रहा, शी कुड नॉट टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, और जब वो हमारे पास आई तो ये कंडीशन थी कि उनकी हड्डी अपनी जगह पे भूल चुकी थी और पूरी तरह शोल्डर का मूवमेंट एब्सेंट था। सो जब पेशेंट आने के हमारे पास आई तो ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल राइट अपर लिम था, और बहुत सारे चैलेंजेस थे इस केस में। सबसे पहले तो एक एज की वजह से, जो शी वाज ऑलमोस्ट 60 इयर्स ओल्ड, सो एज रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज, साथ में पल्मोनरी फंक्शन वाज आल्सो कॉम्प्रोमाइज, जिस आस्क शोल्डर पेशेंट जी, पेशेंट का जो हमने ऑपरेशन किया है वो है रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। पेशेंट का 7.5 मंथ ओल्ड फ्रैक्चर शोल्डर डिसलोकेशन था, जो बेसिकली जिसके साथ में उनकी रोटेटर कफ मसल्स थी वो साथ में डिसफंक्शनल हो गई थी, जिसके द्वारा हमने बेसिकली कंधे का जोड़ पूरा प्रत्यारोपण किया है। और प्रत्यारोपण ही अलग प्रकार का है, जिसमें नॉर्मल एनाटॉमी को रिवर्स किया गया है, जो नॉर्मल बॉल की जगह जहाँ पे बॉल होती है उसकी जगह सॉकेट, और सॉकेट की जगह बॉल को क्रिएट किया गया है। ये बेसिकली पूरी सर्जरी कैशलेस हुई है ESI के द्वारा, पूरे पैनल के द्वारा। पेशेंट को कितना खर्चा आ जाता है अगर नॉर्मल अगर सर्जरी करानी जाए तो ये बेसिकली 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, क्योंकि इसमें पड़ने वाले जो जोड़ का होता है, अगर हम इंडियन मेक का जोड़ लेते हैं, उसकी कॉस्ट अपने आप में करीब 1,40,000 से 1,50,000। ये इस तरह के ऑपरेशन मैंने दिल्ली में असिस्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे बरेली मंडल में ये पहला ऑपरेशन किया गया है। कहाँ का मरीज था पेशेंट? सीबीगंज के पास में, बरेली का ही मरीज है।